ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली भाजपा 13,000 करोड़ के लिए आगे के कार्यक्रम शुरू कर चुकी है, जिसके चलते भारी जिले में भी आज कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष बजर शुक्ला भी मौजूद रहे, आदेश गुप्ता जी भी यहां पर मौजूद रहे। और अब कोशिश ये है दिल्ली भाजपा की कि दिल्ली के हर व्यक्ति तक ये बात पहुँचाई जा सके कि दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ रुपये नहीं दे रही है। मेरे साथ बजर शुक्ला जी भी है, पूरी मीटिंग बातचीत रही, आदेश गुप्ता जी मौजूद रहे। क्या निष्कर्ष निकल के आया, कैसे शुरुआत करेंगे, लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे? ये शुरुआत कहाँ है? तो बहुत बात आगे बढ़ चुकी है। दिल्ली का हर जनमानस ये जानने लग रहा है अब कि 13,000 करोड़ रुपए हमारी नेक कमाई के पैसे थे, केजरीवाल मार के बैठा हुआ है, या और जो थोड़ा बहुत नहीं भी जान पा रहे हैं किसी वजह से, वो हम बताने जा रहे हैं उनको, और बताना भी अच्छे। 13,000 करोड़ रुपये, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, आप अनुमान लगा लीजिए कितना पैसा एक आदमी का बनता है। 13,000 करोड़ रुपए लेके केजरीवाल बैठा हुआ है, तो हमारा दायित्व भी है और हम भी दिल्ली के नागरिक हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता साथ दिल्ली के नागरिक भी तो है ना। हमारा फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि आपका पैसा, नेक नियति का पैसा केजरीवाल ने खाया है, और केजरीवाल इतना दृष्ट है कि मांगने के बाद दे नहीं रहा। केजरीवाल सरकार, मतलब दिल्ली सरकार भी लोगों तक पहुँची, 2,500 करोड़ की बात भी लेके जा रही है, और आदमी कन्फ्यूज़ हो रहा है दिल्ली का कि कौन सही है कौन गलत। इसमें चोर मचाए शोर। आप अगर 2,500 करोड़ की बात ये कर रहे हैं, आप बता दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो इनके बैनर्स लगे, होर्डिंग लगी, उनमें कहीं आम आदमी पार्टी लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, क्यों नहीं लिखा? हमने जहाँ पे 13,000 करोड़ का लगाया वहाँ भारतीय जनता पार्टी लिखा है, दिल्ली प्रदेश लिखा है, बाहरी दिल्ली जिला लिखा है, किराड़ी विधानसभा लिखा है, मुंडका विधानसभा लिखा है। हम चुनौती के साथ कह रहे हैं 13,000 करोड़ रुपया आपने हमारा लिया है, और केजरीवाल झूठ का बवाल कर रहे हैं क्योंकि 13,000 करोड़ रुपये की बात ना माने, वो अनाम पोस्टर्स लगा दिए दिल्ली के अंदर के, जो 2,500 करोड़ रुपया आपको अगर है तो आप जाओ ना कोर्ट, आप जाओ ना, जो है लोगों से कहो ना, आम आदमी पार्टी कह रही है, क्यों नहीं कह रहे हो? आप छुप क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? लोगों से डर रहे हो ना आप, इसलिए जो है ये खाली उनका फालतू का फंडा है, कुछ नहीं है। और 13,000 करोड़ रुपया जो है वो देने ना देने की नीयत से 2,500 करोड़ के उसमें छुप रहे हैं, हम छुपने नहीं देंगे, उनको निकाल के बाहर ले आएंगे। जनता अगर पूछती है कि 13,000 करोड़ अगर मिल जाता है, अगर संघर्ष सही रहा, क्या फ़ायदा मिलने वाला है जनता को 13,000 करोड़ रुपए से? हमने बहुत सारे काम करने, 4-4 महीने से हमारे जो है निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली हुई है, हमारे MCD के जो हॉस्पिटल हैं उनमें स्थिति ये हो रही है कि हम उनको चला नहीं पा रहे, हमारे निगम के स्कूल को सैलरी नहीं दे पा रहे, हम और भी छोटे मोटे काम, हमारे टूट फूट गलियाँ नालियाँ हमारी बननी होती है, हमारे सारे काम ठप पड़े हुए हैं। 13,000 करोड़ रुपया छोटी राशि होती है क्या? वो जैसे दें वैसे हम अपना काम शुरू कर दें और जनता के हित में काम शुरू हो जाए। धरने पे भी बैठे थे कई दिन तक, वहाँ पे धरना भी चला, उसके बाद उपवास भी किया, पैम्पलेट्स भी बांटे, मगर सोल्यूशन तो नहीं निकल रहा ना। नहीं, नीयत उनकी ख़राब ज़रूर है, वो कहावत ना पुरानी की, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुराए, तो उनको क्या है, जब कई समाज में दृष्ट लोग देखे होंगे आपने, जैसे कर्जा लेके खा जाते हैं, तो उनके जब उनके दरवाजे में मांगने जाओ ना तो चिल्लाते भी, चीख भी मारते हैं, बदनीयत लोग हैं। केजरीवाल की बदनीयती से राजनीति शुरू हुई है और वो जनता के साथ बदनीयती कर रहे हैं, लेकिन हम भी ऐसे बैठने वाले नहीं हैं, हमारे पैसे हैं, हमारे निगम के पैसे हैं 13,000 करोड़ रुपया, हम उनसे लेकर रहेंगे, किसी भी हालत तक जाएंगे उसके लिए। ठीक है, एक चीज़ और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारी जिले का तो नहीं, दिल्ली की राजनीति का है, बजरंग बली के भक्त आप भी, आपको भी दुख हुआ था कि जो मंदिर जब टूटा था? मंदिर टूटना, मैं कह रहा हूँ मंदिर पे खरोच भी आए तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है, हिंदुस्तान के अंदर और बजरंग बली का मंदिर तोड़ा जाए, और एक दिल्ली की सरकार जो दिल्ली का मालिक कहती है और अपने को बजरंग बली का भक्त भी कहती है, वो सरेआम मंदिर तोड़ रही है, तो दुख नहीं होगा हमारे को? हमने दुख भी हुआ, हमने प्रदर्शन भी किया और हम आगे भी संघर्ष करेंगे, जब तक वो मंदिर वहाँ पर स्थापित नहीं हो जाता हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वहाँ दिल्ली सरकार, तो आप लोग MCD पे आरोप लगा रही है, भाजपा पे आरोप लगा रही है कि मंदिर उधर से तोड़ा गया है। दिल्ली सरकार तो वैसे भी नास्तिक है, उसको धर्म से लेना ही देना नहीं है, वो तो चाहती है हिंदुओं के मंदिर टूट जाए, वो तो चाहती है कि हिंदुओं की आस्था पर जितना चोट पहुंचाई जाए उतना दिल्ली सरकार को खुशी होती है। अभी अगर यही जो है, मैं कई उदाहरण दिखा दूंगा आपको, ये सेक्टर 22 में चले जाओ, मजार बनी पड़ी है,
ये इसको नहीं हटाते। आप चार नंबर के पास चले जाओ, रास्ता रुक के खड़ा हुआ है, लेकिन वो उन पे हिम्मत नहीं है। वो हिंदुओं पे लगातार कुठाराघात करते हैं, हिंदुओं पर प्रहार करते हैं, हिंदुओं के मंदिरों को चोट पहुंचाते हैं। पीडब्ल्यूडी किसकी है? वो तोड़ रहे हैं ना, एमसीडी का तो गलत नाम ले रहे हैं वो वही करते हैं। कोई भी कह सकता है, कोई हिंदू कह सकता है कि हिंदू को मंदिर कौन तोड़ सकता है, उसको पता है भाजपा नहीं तोड़ सकती। आज हिंदू और धर्म संस्कृति का रक्षक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, भिन्न सुधु परिषद है, बजरंग दल है, हम ही लोग हिंदू धर्म की संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। और ये भी बता दूं मैं आपको कि इनके मंदिर तोड़ के इस तरीके से हमारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं, हम उस मंदिर को वहाँ स्थापित कराने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। आज क्या मूल मंत्र देखेंगे आदेश जी, लग रहा है कि आप किस तरीके से और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे? 13,000 देखो, एक सामान्य से साप्ताहिक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का आना कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सम्मान की बात है, और बाहरी दिल्ली जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं ये गर्व करता हूँ कि हमें ऐसा एक प्रदेश अध्यक्ष मिला है जो साप्ताहिक बैठक में, जो 100-125 कार्यकर्ताओं की बैठक थी उसमें आए और पूरा समय देकर गए और एक मंत्र देके गए कि कार्यकर्ता चाहता है तो क्या नहीं कर सकता, कार्यकर्ता उठ खड़ा हुआ तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात की, उन्होंने कार्यकर्ताओं के जो है आगे कार्यकुशलता की बात की, और उन्होंने गर्व किया अपने कार्यकर्ताओं पर, और हम भी गर्व करते हैं कि हमारा ऐसा प्रदेश अध्यक्ष है जो कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए छोटी सी छोटी बैठकों पर आ जाता है। ठीक है, बजरंग शुक्ला जी थे हमारे साथ, जिला अध्यक्ष थे, इसके साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा और वो भी सुन लीजिए। आदेश जी, अभी भी लोग जो है दिल्लीवासी बहुत कन्फ्यूज है, 2,500 करोड़ और 13,000 करोड़ को कैसे संख्या दूर होगी? देखिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, दिल्ली की जनता ये जानती है कि 13,000 करोड़ रुपया ये एमसीडी का पैसा है, जो कि दिल्ली के लोगों का पैसा है, जो दिल्ली सरकार नहीं दे रही है, और जिसकी वजह से ना तो सफाई कर्मियों को सैलरी दे पा रहे हैं, ना ही डॉक्टर्स को सैलरी दे पा रहे हैं, और ना ही निगम के क्षेत्रों में काम हो पा रहा है विकास का। इसका सीधा साफ एक उदाहरण है कि आप कहीं भी चले जाएं, आज मैं यहाँ किराड़ी में आया हूँ तो किराड़ी में जो हालात हैं वो हालात ये हैं कि दिल्ली सरकार ना तो स्वयं काम कर रही है, ना ही वो निगम को काम करने दे रहे हैं। और आप पूरे 6 वर्ष का अगर इतिहास उठाएंगे केजरीवाल सरकार का, तो उन्होंने वादे किए हैं, काम नहीं किया है, हमेशा झूठ बोला है। उन्होंने 2014 में कहा था यमुना जी को हम टेम्स नदी बना देंगे, सब दिल्ली के जितने लोग हैं इतनी साफ़ यमुना हो जाएगी, सब दिल्ली के लोगों को डुबकी लगा देंगे, वो उन्होंने आज यमुना में अमोनिया बढ़ जाता है, लोगों को पानी नहीं मिलता है। अभी एक महीने से पहले पीछे जब हमने आंदोलन किया, एक महीने से लोगों के घरों में टैंकर नहीं आ रहे थे। तो ये सारी समस्याएँ हैं। दिल्ली की सरकार जब चुनाव आता है तो बातें करते हैं, और दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए वो खर्च करते रहते हैं। 2,500 करोड़ का सर, देखिए 2,500 करोड़ का जो मामला उन्होंने उठाया है, वो आम आदमी पार्टी के लोग भी खुद हमसे आकर उन्होंने कहा, कई लोगों हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं से कहा कि अरे ये तो 13,000 करोड़ रुपये का मुद्दा हमारे गले पड़ रहा है, इसको हमने काट करने के लिए एक मुद्दा उठाया झूठा। वो खुद कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं, उनके पार्षद खुद बगले झांक रहे हैं कि 2,500 करोड़ रुपए ना तो उत्तरी निगम ने लिए हैं ना दिए हैं, किसी ने लिया नहीं दिया नहीं, तो घोटाला किस काम का। ये उनके निगम पार्षद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये उनके निगम पार्षद कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के। सर, बीजेपी सबसे बड़ा संगठन है, फिर कहाँ चूक होती है? जो भी आपने कहा 98 से और अब तक का समय सूखा, लंबा सूखा हो गया है, तो ये बीच का गैप किस क्या वजह हो सकता है? देखिए, इस बीच में हम लोकसभा जीते हैं, निगम पार्षद जीते हैं चुनाव, कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके कारण नहीं हम जीत पाए, लेकिन हम चुनाव जरूर विधानसभा का हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, और इस बार निश्चित रूप से हमारा मकसद है निगम चुनाव भी जीतना और विधानसभा चुनाव। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से बजरंगबली की एंट्री हुई है, मंदिर जो तोड़ा गया है, किसको दोषी मानते हैं, कौन? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो आप पे एमसीडी पे इल्जाम लगा रही है। देखिए, वो इल्जाम झूठा लगा रहे हैं। आप ये बताइए, अगर कोई आदमी सरकार ये जाए कोर्ट में कहे कि मंदिर हटाना है, हमें अपना काम करना है, डेवलपमेंट का काम,
एप्लीकेशन किसने दी? पीडब्ल्यूडी ने। पीडब्ल्यूडी किसका? दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार किसकी? मुख्यमंत्री साहब की। उनका डिपार्टमेंट कोर्ट में जाके अर्जी देता है, उनके वकील स्टैंडिंग काउंसिल नौसाद अली अहमद खान, वो गए और अर्जी लगाई कोर्ट से। जब ऑर्डर मिल गया 2015 में, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद एमसीडी ने, दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट में जाके नौशाद अली अहमद खान, जो दिल्ली सरकार के वकील, कहते हैं जाकर कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आप कृपया कोई डायरेक्शन दीजिए नॉर्थ कॉरपोरेशन को कि मंदिर को वो हटाएं, तोड़ दें, क्योंकि हमारा काम रुक रहा है। किसकी गलती है? साफ जाहिर है, अगर उनकी मंशा होती मंदिर को बचाने की, अगर केजरीवाल साहब सच्चे हनुमान जी के भगत होते, भगत होना बुरी बात नहीं है, भगत हैं ठीक है, हम भी भगत हैं, वो भी भगत है, भगत होना बुरी बात नहीं, बुरी बात यह है कि आपने हनुमान जी के मंदिर को हटाने के लिए कोर्ट चले गए। अगर आप ये कहते कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, वही मामला दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी करती, और धार्मिक समिति का काम होता है कि कोई इस तरह का मामला आता है तो वो पहले रिलीजियस कमेटी में आता, कभी कोर्ट में नहीं जाता है, कोई कोर्ट में नहीं ले जाता, तो रिलीजियस कमेटी में आता है। रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन खुद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन हैं और उनके मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब। वो चाहते तो रिलीजियस कमेटी में पहले मामला लाते, मंदिर कमेटी के लोगों को बिठाते, मामला हल हो जाता, इतना मुद्दा नहीं बनता। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट कोर्ट में चले गए, जो कि दिल्ली सरकार की गलती है, ये दोनों पक्षों से दोषी हैं, और आज ये आडंबर रच रहे, झूठ का आडंबर रच रहे, ये इनकी पुरानी आदत है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर